दोस्तों एमटीवी पे रोडिस आता है। रोडिस ये दावा करते कि वो एक रियलिटी शो है। कितना सच है इसमें कि क्या सच में रोडिस रियलिटी शो है या फिर स्क्रिप्टेड शो है? मेरे हिसाब से रोडिस ही एक ऐसा शो है जहां पे माँ बहन की गाली देख के माँ बहन की इज्जत करना सिखाया जाता है हमें। जी हाँ, वहां के ऑडिशन पे हमें यही देखने को मिलता है कि वहां पे बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया। वो हमसे एक ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वहां पे जो जज बैठे हैं उनसे महान व्यक्ति तो उस पृथ्वी में कोई है ही नहीं। वही हमारा फैसला कर सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर क्या है। अगर आप वहां पे सेलेक्ट हो गए, अगर आप रोडिस में सेलेक्ट हो गए, उन जजेस ने आपको सही साबित कर दिया, उसके बाद आपके कैरेक्टर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। ऐसा दिखाया जाता है रोडिस में। रोडिस ही मैंने अभी तक अपने जीवन में एक ऐसा शो देखा है जहां पे माँ बहन की इज्जत करना सिखाया जाता है हमें। और रोडिस ये दावा करती कि रोडिस रियलिटी शो है, पर मुझे ये कतई ही नहीं लगता, मुझे ये कतई ही नहीं लगता कि रोडिस रियलिटी शो है। वो बिल्कुल 110% स्क्रिप्टेड शो लगता है। खुद सोचो आप, ऑडिशन में हमें देखने को मिलता है कि वहां पे एक से एक मूर्ख आदमी आते हैं। कौन इतना मूर्ख होगा जो जाके वहां पे अपनी बेइज्जती करवाएगा, वो भी इस तरह अपनी बेइज्जती रोडीज में, वो भी पब्लिक के सामने, कौन कराना चाहेगा? कई सारी चीजें हैं रोडीज के अंदर, अगर हम उसको देखें तो हमें फील होता है कि रोडीज कंप्लीट स्क्रिप्टेड शो है। 1% भी रियलिटी नहीं है उसमें, कंप्लीट स्क्रिप्टेड शो है वो। अगर आप रोडिस को देखो तो उनको जो टास्क दिया जाता है उसमें भी आपको एक्टिंग जैसी फीलिंग आएगी। अगर आप किसी भी चीज को नोटिस करने में एक्सपर्ट हो, अगर आप किसी भी चीज को नोटिस सही तरीके से कर लेते हो, तो आप रोडिस को देखते हुए नोटिस करो, आपको खुद फील होने लगेगा कि जो टास्क दिया जा रहा है उसमें ही वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। इतना इजी टास्क होता है, वो भी वो बेवकूफों की तरह करते हैं। इतना इजी टास्क दिया जाता है उन्हें, कुछ टास्क तो इतने इजी होते हैं जिसकी कोई हद नहीं, उसके बाद भी वो उस टास्क को बिल्कुल बेवकूफों की तरह करते हैं। इतनी ओवर एक्टिंग, उनको एक्टिंग ही नहीं आती, इतनी एक्टिंग करते, इतनी घटिया एक्टिंग करते कि अपने आप फील होने लग जाता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। फिर अपने आप पता चल जाता है कि रोडिस रियलिटी शो नहीं है, स्क्रिप्टेड शो है। एमटीवी एक तरह से यूथ को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रही है। रोडिस एक बहुत ही बड़ा आइकॉन हो चुका है उनके लिए, आज का यूथ रोडिस का बहुत बड़ा फैन है। तो वो अपने टीआरपी के लिए, अपने फैन की फीलिंग के लिए, उनको खुश करने के लिए बिल्कुल ही रियलिटी शो को एकदम स्क्रिप्टेड शो बना दिया है। वो मेरे हिसाब से कभी रियलिटी शो था ही नहीं, वो शुरू से ही स्क्रिप्टेड शो ही था। सिर्फ हमें बोला गया कि रियलिटी शो है। क्यों रियलिटी शो है? क्योंकि जो उनमें आते हैं वो सिर्फ पब्लिक से ही पिकअप किया जाता है, उनको पब्लिक से उठाया जाता है और डायरेक्ट आते हैं, इसलिए उसको रियलिटी बोला गया, क्योंकि हम आम जनता में से ही उनको सिलेक्ट करते हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन सिलेक्ट होने के बाद अंदर जो भी टास्क होता है, जो भी आगे के एपिसोड्स बनते हैं, वो सारे कंप्लीट स्क्रिप्टेड होते हैं, वो कंप्लीट स्क्रिप्टेड ही होते हैं। उसका विनर सब कुछ फिक्स होता है पहले से ही। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एमटीवी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े यूथ को एक शो के जरिए मूर्ख बना रहा है, ये कहते हुए कि ये रियलिटी शो है, स्क्रिप्टेड नहीं। क्या सोचता है रोडिस, क्या सोचता है एमटीवी, क्या यूथ मूर्ख है? आज का यूथ मूर्ख नहीं, महान है। वो हर चीज को समझता है, हर चीज को जानता है कि ये हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। हर यूथ जानता है, हर इंसान जानता है जो रोडिस देखता है कि रोडिस रियलिटी शो नहीं है, रोडिस स्क्रिप्टेड शो है। और रोडिस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे माँ बहन की गाली देख के माँ बहन की इज्जत करना सिखाया जाता है। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे रोडिस से बकवास वाहियात शो पूरे सीरीज टीवी सीरीज में कोई और नहीं होगा। सबसे बदनाम शो है रोडिस। रोडिस ही एक ऐसा शो है मेरे हिसाब से जिसने आज के युद्ध को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।